हेलो दोस्तों, स्वागत किया जाता है एक और नए दमदार वीडियो में। इस वीडियो को ध्यान से देख लेना, आपकी लाइफ सुधर जाएगी। अभी यदि आप पाप कर रहे हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना रहे हो, सेक्स वीडियो देख रहे हो, याद रखना ये सब बंद कर दो। समय कम है और दिन बुरे ही बाइबल बताती है। याद रखना, अभी तो मजा आ रहा है सामने वाली लड़की को आंख मारने में, अभी तो लड़की पटाने में मजा आ रहा है, अभी तो छत पे जाके लड़की को ताकने में मजा आ रहा है, अभी तो दारू पी के बीबी को पीटने में मजा आ रहा है, अभी तो दारू पी के अपनी पत्नी को मारने में, गाली देने में बड़ा अच्छा लग रहा है, अभी तो दारू पीने में, शराब पीने में, गुटखा खाने में, मसाला खाने में, तम्बाकू खाने में बड़ा अच्छा लग रहा है। चर्च जाते समय लड़की को ताकने में अच्छा लग रहा है, चर्च में बैठकर लड़की को झांकने में, ताका मुक्की करने में अभी तो बड़ा मजा आ रहा है, अभी तो बड़ा अच्छा लग रहा है, अभी तो बड़ा अच्छा लग रहा है। याद रखना, ऐसे ऐसे पाप करने वाले, ऐसे ऐसे घिनौने काम करने वाले स्वर्ग के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते हैं। ऐसे लोगों को आज जरा भी डर नहीं लग रहा है, ऐसे लोगों को आज जरा भी डर नहीं लग रहा है। यीशु मसीह के कहर से आज लोग अपना जीवन पाप में बिता रहे हैं, गुनाहों में बिता रहे हैं। कब तक शारीरिक संबंध बनाते रहोगे? कब तक अपने मोबाइल में गुप्त रीति से छिपकर सेक्स वीडियो देखते रहोगे? दूसरों का नंगापन देखते रहोगे? याद रखना, जिस प्रकार से आप अपने मोबाइल में गुप्त रीति से दूसरों का नंगापन देखते हो, उसी प्रकार से परमेश्वर आपको मसीह विरोधी के दिन में नंगा करेगा और मरने के बाद भी वही शरीर पहना के आपको परमेश्वर आग में नंगा ही डालेगा उस नरक की आग में। इस वीडियो को ध्यान से देख लेना, मजाक मस्ती अपनी जगह। जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, विश्वास करने के बाद भी पाप करते हैं, लड़कियों से बात करते हैं, सेक्स वीडियो देखते हैं, अपने मोबाइल पे दारू पीते हैं, गुटखा खाते हैं, ऐसे ऐसे काम करते हैं, मुंह से गालियां बकते हैं, गांव में लड़की को ताकते झांकते रहते हैं, ऐसे लोगों का यीशु मसीह बहुत बुरा हाल करेगा। छोड़ दो और लौट आओ, वरना बहुत बुरा हाल करेगा परमेश्वर। अभी टाइम है, अभी समय है, यीशु मसीह पर विश्वास कर लो। परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती की पुस्तक बताती है, उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता है, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता। देखो, जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते हो कि वह समय कब आएगा। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो, ना उस घड़ी को जानते हो। मगर आज के इस समय में हमारे मसीह भाई बहन जाग कह रहे हैं, वे अपनी तैयारी कहाँ बना रहे हैं? वे तो सामने वाली लड़की को पटाने में लगे हुए हैं, वे तो गेट की सामने वाली लड़की को आंख मारने में लगे हुए हैं, वे तो छत पे जाके बैठकर लड़की को लाइन देने में लगे हुए हैं, लड़की को पटाने में लगे हुए हैं, वे सो रहे हैं, जाग नहीं रहे हैं। याद रखना, ऐसे लोगों का बहुत बुरा हाल करेगा परमेश्वर। याद रखना, मरने के बाद परमेश्वर आप न्याय स्वत सिंहासन के सामने करेगा और न्याय करके उसको वही शरीर यीशु मसीह पहनाएगा, जिस शरीर में आपने पाप किया है, शारीरिक संबंध बनाया है, व्यभिचार किया है, दूसरी पत्नी के साथ गलत काम किया है, शादी से पहले लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाया है, पाप किया है। याद रखना, ऐसे लोगों का इतना बुरा हाल करेगा परमेश्वर, उनके सहनशीलता से बाहर होगा। छोड़ दो, जरा सोच के देखो मेरे प्रियजनों, कब तक पाप करते रहोगे? अगर यीशु मसीह अचानक आ जाएगा तो आप क्या करोगे? अचानक यीशु मसीह आ गया, रेप्चर हो गया, तो क्या आप स्वर्ग जा पाओगे? क्या यीशु मसीह आपको स्वर्ग ले जाएगा? यहीं पे छोड़ देगा, क्योंकि आप पाप कर रहे हो, सेक्स वीडियो देख रहे हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना रहे हो, लड़की को लाइन देने में लगे हुए पाप कर रहे हो, गाली गलौज करते हो, हत्या करते हो, कत्ल करते हो। ऐसे लोगों को परमेश्वर स्वर्ग का
कभी नहीं देगा, कभी नहीं देगा स्वर्ग, कभी नहीं देगा स्वर्ग। इफिसियों की पुस्तक बताती है, इफिसियों में लिखा, क्योंकि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, क्योंकि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, उसको वचन से हरा सको। क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं है, परंतु प्रधानों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। वचन साफ बता रहा है मेरे प्रियजनों, हमारी लड़ाई मसीह भाइयों से नहीं है, हमारी लड़ाई उन शैतानों से है, उन दुष्ट आत्माओं से है जो आपको पाप में गिराती हैं, पाप में करवाने से मजबूर कर देती हैं, जो आप पाप कर देते हो। हमारी लड़ाई उन शैतानों से है, उन शैतानों से है, शैतानों से। अभी सुधर जाओ, अभी टाइम है, अभी वक्त है, मन फिरा लो, मन फिरा लो, वरना बहुत बुरा हाल करेगा परमेश्वर, बहुत बुरा हाल करेगा परमेश्वर। याद रखना, अभी तो शादी में, पार्टी में जाने में, नाचने में, कूदने में बड़ा मजा आ रहा है, डीजे में, डीजे पर डिस्को डांस करने में बड़ा मजा आ रहा है। याद रखना, अब अगर आप बिना यीशु मसीह को जाने, बिना सुसमाचार के मर गए, तो नर्क में आपके शरीर से कीड़े मकोड़े डिस्को डांस करना शुरू कर देंगे। उस समय नोचेंगे, काटेंगे, खाएंगे आपको उस आग में। आग नहीं बुझेगी, कीड़े नहीं मरेंगे, आग कभी नहीं बुझेगी, कीड़े कभी नहीं मरेंगे। साफ साफ यीशु मसीह ने कह दिया, आग नहीं बुझेगी, कीड़े नहीं मरेंगे। जो उस नर्क में जाएगा उसका क्या हाल होगा, जहाँ लोहा पानी पानी बन जाता है, वहाँ ऐसे लोगों को डाला जाएगा जो लोग यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, जानते फिर भी पाप करते, वे विचार करते हैं, अपने शरीर के अनुसार दिन काटते हैं। ऐसे लोगों को कीड़े काटेंगे, नोच नोच के खाएंगे, आग जलाएगी। अभी टाइम है, अभी सुधर जाओ। अगर नहीं सुधरे, नहीं खराई के साथ चलोगे, नहीं पवित्रता के साथ चलोगे, याद रखना बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत महंगा पड़ेगा। शादी से पहले सेक्स करना बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत महंगा पड़ेगा। अभी कुछ नजर नहीं आ रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है साफ साफ मत्ती 24 अध्याय में, उस समय दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। कौन छोड़ा जाएगा, कौन लिया जाएगा? याद रख लेना, जो पवित्र होगा, जो इस संसार से निष्कलंक होगा, जो धर्मी होगा, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता होगा, उसके वचनों पर चलता होगा, अपनी तैयारी बना के रखा होगा, उसको यीशु मसीह ले जाएगा। बाकी को एक को यही छोड़ देगा, एक को उठा लेगा और दूसरे को अधर्मी को पापी को यही छोड़ देगा, छोड़ देगा। अगर दोनों पवित्र होंगे, दोनों खराई से चलते होंगे, तो दोनों को यीशु मसीह बदल कर स्वर्गीय देह में यीशु मसीह उनको उठा ले जाएगा। याद रखना, आप पाप भी करोगे, व्यभिचार भी करोगे, तो अपने ये ख्याल, दिल और दिमाग से निकाल देना कि यीशु मसीह मुझे स्वर्ग ले जाएगा। कभी यीशु मसीह आपको स्वर्ग नहीं देगा। जहाँ पर यीशु मसीह रहते हैं वह जगह पवित्र है, वहाँ सिर्फ और सिर्फ पवित्र लोग ही जा पाएंगे। ये कचड़ा बटोर कर यीशु मसीह स्वर्ग नहीं ले जाएगा। याद रखना, याद रखना, ऐसा कचड़ा बटोर कर यीशु मसीह स्वर्ग नहीं ले जाएगा। अभी तो बड़ा मजा आ रहा है, अभी तो बड़ा अच्छा लग रहा है। याद रखना, अगर हम मसीह विरोधी के हाथ में पड़ गए, यही पृथ्वी पर मसीह विरोधी आपको, आपके बच्चों को जान से मार डालेगा, उनकी गर्दनें कटवा देगा मसीह विरोधी। याद रख लेना, अभी तो नजर नहीं आ रहा, कुछ नजर नहीं आ रहा है, समय कम है, अंत निकट है, यीशु मसीह का आना बहुत नज़दीक आ चुका है। मन फिरा लो और यीशु मसीह पर विश्वास कर लो। अभी टाइम है, टाइम चला जाएगा, टाइम चला जाएगा, तो क्या करोगे उस समय आप? लूका 17 अध्याय की पुस्तक बताती है 34 वचन में, मैं तुमसे कहता हूँ उस रात दो मनुष्य एक खाट पर सोते होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। याद रखना, यीशु मसीह रात में भी आ सकता है, रात में भी रैप्चर हो सकता है। जो समय तैयार होगा उसको सोते सोते यीशु मसीह बदल कर उठा लेगा। जो तैयार होगा, जो पवित्र होगा, जो यीशु मसीह पर विश्वास करता होगा, उसको यीशु मसीह बदल कर स्वर्ग उठा ले जाएगा, उठा ले जाएगा। जितने लोग यहाँ पर छूट जाएंगे, उनके लिए दुनिया भर की आफतें, मुसीबतें टूटना शुरू हो जाएंगी। अभी तो बेटा मजा आ रहा है सेक्स वीडियो देखने में, अभी तो लड़कियों से बात करने में बड़ा मजा आ रहा है, अभी तो लड़कियों को लाइन देने में बड़ा मजा आ रहा है, शारीरिक संबंध बनाने में बड़ा मजा आ रहा है, दारू पीने में बड़ा मजा आ रहा है। याद रखना, छोड़ दो और बचा लो अपने आप को यीशु मसीह के कहर से, बचा लो और सुधर जाओ, वरना बहुत तड़पाएगा परमेश्वर। यहाँ भी चैन नहीं, और मरने के बाद डायरेक्ट परमेश्वर आग में फेंक देगा, जहाँ की आग नहीं बुझती है, जहाँ के कीड़े कभी नहीं मरते हैं। मन फिराओ और सच्चाई को जानो और यीशु पे विश्वास करो, पवित्रता
सत्यता के साथ, खराई के साथ चलो। यीशु मसीह अचानक आएगा, उसका आना नजदीक आ चुका है। पाप बढ़ चुका है, अधर्म बढ़ चुका है। लूत का समय, नूह का समय आ चुका है। सावधान हो जाओ और तैयार हो जाओ। इस वीडियो को शेयर करना अपने मसीह भाइयों के पास। मेरे प्रियजनों, आपके एक शेयर से लाखों करोड़ों आत्माएं बच सकती हैं। कृपया करके इस वीडियो को शेयर करो अपने मसीह भाइयों के पास। आप सभी को जय मसीह की, गुड लक।